नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रोहित और आप देख रहे हैं रोहित मौली यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज का इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूं कि यहां पे मेरे पास एक फ़ोन है नोकिया का, वो है 150 मॉडल, जो कि न्यू अभी भी चल रहा है मार्केट में, धरले से ये मॉडल बिक रहा है। और इसमें जो प्रॉब्लम है वो ये है कि इसमें ये फ़ोन ऑन नहीं हो रहा है और चार्ज हो रहा है। मैं आपको दिखा रहा हूँ, यानी पावर की इसका वर्क नहीं कर रहा है दोस्तों। फिलहाल तो इसे चार्जिंग भी नहीं हो रहा ये फ़ोन। तो देखते हैं दोस्तों आगे इसमें क्या है। तो सबसे पहले फ़ोन को करना है आपको ऑन, सॉरी खोल लेना है। इसमें वैसे पहले से ही काम किया हुआ देख सकते हैं, वाश लग रहा है कोई किए हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पे जो है, चलिए चेक कर लेते हैं। सबसे पहले पावर की पे सप्लाई आ रहा है या नहीं। फ़ोन तो इसे शॉर्टिंग नहीं दिखा रहा है, इसे शॉर्टिंग भी सबसे पहले आपको चेक कर लेना है। तो दोस्तों यहाँ पे ये पावर की रहा, और आपको लेना है अपना एक मल्टीमीटर, और मल्टीमीटर को कर लेना है बजट की रेंज में सेट। एक प्रोट को आपको रखना है यहाँ पर बॉडी के किसी भी निगेटिव साइड पर, और दूसरा जो है यहाँ पर बीच में डालना है। तो देख सकते हैं इस पर आ रहा है सप्लाई, और जो ये निगेटिव है यहाँ पे साइड, सॉरी ये निगेटिव तो वैसे बीच का ही इसमें दिए हुआ है, और ये साइड का जो है इस पर सप्लाई नहीं आ रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे हमें देखना है इसका सप्लाई आखिर क्या हुआ है, तो है कहाँ। तो दोस्तों मैं आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ कि देखिए इसका जो सप्लाई है कुछ ऊपर दिख रहा है हमें, यहाँ ऊपर गया हुआ है ये। तो देखते हैं यहाँ पर आपको करना क्या है, यहाँ सही से आपको देख लेना है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर जो इसका सप्लाई है ये कुछ देखिए, यहाँ पे हम वैसे पहले से इसका ट्रैक ओपन कर दिया हूँ, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है ऊपर से नीचे तक यहाँ पे दो ट्रैक, इस साइड से दाहिना साइड से आपको दो ट्रैक दिख रहा होगा यहाँ पे, एक ये है और ये। तो ये दूसरा वाला जो है इस पावर स्विच का है। तो यहाँ पे आपको चेक कर लेना है क्रोच करके यहाँ पर सप्लाई आ रहा है या नहीं। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है इसका सप्लाई आ रहा है, देख सकते हैं। तो हमें करना क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक का पहले तो यहाँ ये लाइनिंग है आगे से भी हल्का खरोच करके, और सप्लाई चेक करना है। तो दोस्तों हम चलिए देख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो है आपको मैं पहले बता चुका हूँ कि ऊपर का जो है सप्लाई, देखिए यहाँ से जो है ये जो यहाँ ऊपर मैं आपको दिखाया था, जो वहाँ से एक जम्पर लेकर के, और यहाँ पे जो है आपको हल्का स्क्रैच करके ये पावर की का जो बगल का साइड है यहाँ पे आपको जम्पर कर देना है, और उसके बाद चेक कर लेना है कि सप्लाई आ रहा है या नहीं। यदि मान लीजिए ठीक है, कहीं वाटर डैमेज के कारण बीच से ही आपका देखिए यहाँ पे दिख जाएगा वाटर डैमेज रहता है, जिससे पहले जस्ट कुछ देर पहले मैं यही सेम फ़ोन का सेम प्रॉब्लम सॉल्व किया हूँ, जो कि वाटर डैमेज था और बीच से ही सप्लाई कर गया था। तो यहाँ आगे से मैं हल्का क्रोच करके यहाँ से यहाँ तक का जम्पर कर दिया था, जो कि सॉल्व हो गया था। तो यहाँ पे जो है आ चुका है सप्लाई, आप देख सकते हैं, और बीच का तो सप्लाई पहले से सही था। तो चलिए फ्रंट देख लेते हैं, पहले फ़ोन को ऑन करके फिर क्या होता है, मेरा ऑन हो पाता है या नहीं। बट ये पावर का जो पावर की का प्रॉब्लम जो था वो आपको सॉल्व हो चुका है, क्योंकि पावर की पे सप्लाई नहीं आ रहा था। और आगे हो सकता है कहीं फ़ोन में दूसरा कोई फॉल्ट हो तो फ़ोन ऑन नहीं हो सकता है, लेकिन यदि मान लीजिए पावर की का प्रॉब्लम होगा तो ये फ़ोन ऑन होना ही होना है। चलिए देख लेते हैं आगे क्या था। तो दोस्तों यहाँ पे हम कर लेते हैं फ़ोन को ऑन करके चेक कर लेते हैं। तो फ़ोन जो है मेरा ऑन हो चुका है, देख सकते हैं आप। ठीक है फ्रेंड्स, यदि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक
कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। बगल में रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन होगा, उसे दबाकर मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। बेल आइकन को दबाना ना भूलें।